Hello guys, welcome back to our channel, This Side Wrinkle. And you are watching Explorers. And apna naam da dassya ji yaar tusi. Yaar mera naam hega Ardi Photography. Yeah. Okay. Hello guys, This Side Wrinkle. Hope you are doing well and you are watching Explorers. So guys, welcome back to another YouTube video. Aaj ka time ho gaya hai abhi. 5 AM in the morning. एंड हमें आज शूट है तो मैटरनिटी शूट करना है हमने. एक तो भैया कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम जा रहे हैं स्प्रिंगफील्ड लेक्स. हमारा पहला मैटरनिटी शूट है और इसमें हम बिफोर सनराइज जा रहे हैं और हमें सनराइज शूट कैप्चर करना है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं. जल्दी नहीं, बहुत जल्दी जा रहे हैं. वैसे तो मैं तो रेगुलर ही 4-5 बजे उठता हूँ, बट राइट नाउ भैया के साथ आज पहली बार ही है तो आज मैं सोया भी इधर ही था. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रात का भी, बट मुझे लग रहा है आज बादल आ गए हैं तो हमारा शूट खराब होने वाला है. मे बी सनराइज ना हो तो दिखाते हैं आपको. तो क्लाउडी है आज डे, तो लेट्स सी क्या बनता है. बाकी हमारा यहाँ पे डाटा कॉपी चल रहा है साथ साथ, क्योंकि कार्ड्स खाली चाहिए होते हैं. एंड टाइम आप देख सकते हैं 5:10 हो गए हैं एंड थोड़े से स्लीपी लग रहे हैं सारे. जब भी हमें निकलना है नेविगेशन ऑन कर लेते हैं. नेविगेशन ऑन सबसे इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि गाइस अगर एक गलत टर्न और सब कुछ ख़त्म तो नहीं, बट आप 15-20 मिनट पीछे चले जाते हो. सो दैट्स वाई नेविगेशन लगा कर चलो. तो आज आपको दिखाते हैं अर्ली मॉर्निंग कैसी होती है इन द ऑस्ट्रेलिया. जैसे कि गाइस भैया ने बताया कि हम जा रहे हैं स्प्रिंगफील्ड लेक्स, तो मैटरनिटी शूट है तो जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, बिकॉज मैंने इंडिया में किए हुए हैं और यहाँ पे तो मेरा भी पहला ही है. तो देखते हैं क्या सीन है, क्या माहौल है, क्या एटमोसफियर है. तो बाकी मैंने तो अभी तक ये भी नहीं देखा कि जो जिसका शूट करना है वो हाउ शी लुक्स लाइक, तो वहाँ जाके पता चलेगा कि फ़र्स्ट अपीयरेंस कैसी है और क्या क्या प्रोडक्ट निकलने वाला है. तो अभी तो वेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी हमारी जो कार है वो हीट अप हो जाए ताकि अच्छे से चले फिर. तो ये तो गाइस एक वन ऑफ द मैंडेटरी स्टेप है ना भैया? जी ये तो है भाई, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको फर्दर जर्नी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो आई थिंक करना चाहिए, क्यों भैया? जी जरूर, ये तो है. चलो चलो अब देखते हैं, 2 मिनट और फिर उसके बाद शुरू करेंगे. और यहाँ से हमें दिखा रहा है की ड्राइव है, 30 मिनट्स की ड्राइव, उसके बाद फिर हम पहुँच जाएंगे और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है. भैया थोड़ा सा क्लाउडी है तो काफ़ी क्लाउडी, लेट्स सी कि कितने बजे सन निकलता है. बाकी भैया ऐसा होता है अगर यहाँ पे थोड़ा क्लाउडी है मे बी आगे क्लियर हो जाए मे बी. तो लेट्स सी, चलो गाइस मिलते हैं, कीप वॉचिंग. गाइस ऐसी बात है कि अब डलवाने लगे हैं फ्यूल, तो ये देख लो यहाँ पे फ्यूल के प्राइजेस. तो भी हमने कौन सा डलवाना है? अनलीडेड 91 ऑस्ट्रेलियन में होता है, जैसे सिंपल पेट्रोल, इथेनॉल वाला पेट्रोल. तो गाइस ये सीन है कुछ पेट्रोल का, तो आपको दिखाते हैं. तो गाइस आप देख ही सकते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट है. तो बाकी गाइस देखते हैं भैया फ्यूल फिल करवा रहे हैं. तो फ्यूल यहाँ पे गाइस कुछ ऐसा है कि खुद डलवाना पड़ता है आपको. आप वहाँ पे जाके फ्यूल भरवा लीजिए जितना भरवाना है, फिर देन उसके बाद यहाँ पे ये जो अंदर है अभी दिखाते हैं आपको अंदर जाके. तो वहाँ जाके आपको उसकी पेमेंट करनी होती है. तो क्लाउड्स सच में ज़्यादा है आज, तो देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं. पहले अपनी कार को थोड़ी सी जो उसकी पेट पूजा है वो करवा लें, फिर हम भी कॉफ़ी लेंगे, फिर उसके बाद अंदर चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि कैसे पेमेंट करनी है. तो गाइस यहाँ से ऐसे अंदर जाके वो वहाँ पे काउंटर है, तो वहाँ पे हमें पेमेंट करनी होती है. तो हम यहाँ से अब कॉफ़ी बनाएंगे, तो ही इज गोइंग टू मेक कॉफ़ी फॉर बोथ ऑफ अस. ऐसे लिए कप.
तो गाइस गाड़ी का भी पेट फुल कर दिया और अपनी भी थोड़ी सी पेट पूजा हो जाएगी। तो ये हमने लाटे फ्लेवर ले लिया, तो पीछे आपने सिनेमैटिक शॉट्स तो देखे होंगे इसके अच्छे अच्छे। तो अब जा रहे हैं डेस्टिनेशन की तरफ। एक मिनट सीट बेल्ट या बेल्ट लगा लें, नहीं तो हमारी गाड़ी ब्लिंक करने लग जाती है। सो गाइस एक इशू हो गया हमारे साथ, बारिश आ गई है, तो देखते हैं आप क्या बनता है। भैया व्हाट डू यू थिंक? देखो शायद ठीक हो जाए, बट ठीक हो भी रहा है नहीं भी हो रहा, देखते हैं क्या होता है। और हमारी जो कॉपी थी फाइल होनी वो तो पूरी हो चुकी है, दूसरा कार्ड तो लगाना है। हाँ तो दूसरा भी लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है, बट यार ये बारिश मैस ना करते कोई। चलो होप फॉर द बेस्ट, बाकी देखते हैं क्या बनता है। आप कॉफ़ी इंजॉय कीजिए, तब तक कॉफ़ी गाइस थोड़ी सी कड़वी है क्योंकि कॉफ़ी है ना क्योंकि कॉफ़ी है ना तभी कड़वी है। मेरे को ना इतना वो नहीं है ना इतनी ज़्यादा कड़वी पीने का, मैं तो पूरा शुगर ज़्यादा डाल के पीता हूँ। तो आई थिंक आपने दो सर्व्स डाले हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा फील हो रहा है। तीन सर्व्स तो थोड़ा सा फील हो रहा है आई थिंक सो। बाकी गाइस वेदर को आप इंजॉय करो, हमारे लिए तो थोड़ा मैस हो रहा है। बाकी देखते हैं क्लियर हो रहा है अब इसका है, जितना पहले था उतना तो नहीं रहा, बट देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो गाइस अब मोटरवे पे एंटर कर गए हैं, लेगेसी 5 मोटरवे जी। तो थोड़े से आपको हिल्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो मैं तो वैसे आता रहता हूँ बट मैं आता हूँ अपनी ट्रेन से, तो आज कार से पहली बार आने का मौका मिला है, तो देखते हैं क्या सीन है गाइस। बाकी इन्वायरमेंट जो है वो बाहर का तो मेरे को बहुत ऑसम लग रहा है। तो यहाँ की जो स्पीड लिमिट है इस मोटरवे की वो है 90। तो गाइस यहाँ पे स्पीड लिमिट का बहुत प्रॉब्लम है ना भैया जी, बहुत अवेयर होकर चलना पड़ता है। हाँ भैया को अभी अभी एक फाइन आ गया $300 का, हमें पता भी नहीं है कहाँ से वो हुआ है ना, कहाँ से मतलब हम डॉज हुए, बट आई डोंट नो, बट आ गया वो बस। तो देखते हैं अब क्या सीन है। बाकी स्पीड लिमिट, जितनी स्पीड लिमिट है उसके अंदर ही कार चलाओ, बिकॉज यहाँ पे ऐसा है कि हिडन कैमराज लगे हैं, क्योंकि भैया को अभी भैया 4 years हो गए ना आपको यहाँ पे। हाँ, तो अब हाँ तो भैया भी किसी टाइम ऐसा लगता है उनको कि पता नहीं चलता कि कहाँ कैमरा है, बट काम हो जाता है फिर भी। यहाँ पे सॉरी या कुछ ये सीन नहीं, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, सीधा आपके घर पर चिट्ठी आएगी कि हाँ अभी चलो यू हैव टू पे फाइन बिकॉज यू क्रॉस द स्पीड लिमिट। और बकायदा वहाँ पे स्पीड लिमिट दी भी होती है कि इतने का जोन था आपने इतने में चलाई है कार, फोटो भी आती है HD फोटो। हाँ HD फोटो गाइज। और जो अच्छी बात है, जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि इनके जो कैमरे हैं वो कभी भी मिस नहीं करते, एकदम क्लियर जो आपकी नंबर प्लेट की फ़ोटो होगी वो देंगे और आपकी स्पीड लिमिट देंगे, कि मतलब प्रूफ इन द हैंड देते हैं कि हाँ आप उनके अगेंस्ट ना जा सको, कि आप कोई आपके दिमाग में कोई क्वेरी ना फंस जाए कि हाँ ये हम यहाँ पे काश हम शायद हम ठीक थे वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तभी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने अच्छे हैं, तभी यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया में तो गाइस हम ही लोग रूल नहीं मानते तो जो पुलिस है जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी। आई नो कि थोड़ा सिस्टम बायस्ड भी है, बट फिर भी अगर हम थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, हम थोड़े से सही हो जाएंगे, तो सिस्टम खुद ब खुद सही हो जाएगा, क्यों भैया सही बात है ना। तो अरे कल मैंने एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे समथिंग भैया रैली टाइप था, तो बंदे इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज, ट्रैफिक कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज, ना कोई एक भी हॉर्न, ना एक भी कोई भी मैस, ना जो पुलिस वाले हैं जो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कोई ऐसा इशू क्रिएट किया कि मतलब कुछ भी नहीं था, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से सारी रैली हो रही थी ना, मतलब मेरे को देख के इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ आपको। अभी रैली मेरे को नहीं पता क्या थी क्या नहीं, बट बहुत ही सही तरीके से उन्होंने सारा कुछ किया हुआ था, और बंदे खड़े थे देख रहे थे उनको, चेयर अप कर रहे थे कि हाँ आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। तो आई थिंक वो किसी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे थे, आई डोंट नो कौन सी कम्युनिटी थी, बट वो रैली मेरे को मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा था, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उस चीज़ से। तो अब जा रहे हैं रास्ते में, लेट्स सी, आपको दिखाता हूँ कैमरा टर्न करके भैया ड्राइविंग कर रहे हैं। बाकी भैया आई थिंक 15 मिनट्स की हमारी ड्राइव रह गई है और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे फिर डेस्टिनेशन पे, आपको जाके
दोबारा कैच करते हैं। तो गाइस अब चेक करो व्यू, रोड इतना सुंदर है और ऊपर से क्लाउड इतने सुंदर हैं और ऊपर से भैया ड्राइव कर रहे हैं और ऊपर से क्रूज लगा हुआ है। ओह वाओ, देखो जी ये है यहाँ की गाड़ियों की सबसे अच्छी बात, कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, बस क्रूज मोड ऑन कर दो और खुद ब खुद गाड़ी चलेगी। तो ये गाड़ी ना है ना भैया, कार ये खुद एडजस्ट कर लेती है ना, जैसे अगर आप ब्रेक वगैरह लगा रहे हो तो दोबारा स्पीड वगैरह ब्रेक लगाते हो फिर क्रूज टूट जाता है ना, ब्रेक लगाते फिर क्रूज बंद होता है। अगर हम स्पीड अप करेंगे तो उतर जाएगा, अगर हम रेस स्पीड अप करेंगे तो फिर भी उतर जाएगा। हाँ यहाँ पे नहीं, अगर रेस स्पीड अप करेंगे ना तो रेस छोड़ेंगे अपने आप स्टेबल हो जाएगी वहाँ पे। ओके डाउन आ जाए तो गाइस मौसम मौसम एंड सब कुछ, ये स्प्रिंगफील्ड आ गया हमारा, बस अभी 2 या 3 मिनट की ड्राइव 4 मिनट्स की ड्राइव रह गई है तो उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। फिर देखते हैं भैया वो कस्टमर का क्लाइंट है उसके घर पे जा रहे हैं। अच्छा उसका घर है इधर सामने, व्यू देखो वाओ रियली नाइस, अभी ठंड भी लग रही है एसी ऑन था। ओके तो 100 का जोन है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है गाइस। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि ये देखो नीचे रोड्स पे ना मार्क्स लगे हुए हैं कि आप अगर ध्यान से आके खोल के चलाओगे गाड़ी तो आपसे गलती होने की गुंजाइश नहीं है, आंखें खोल के चलती है गाड़ी। हाँ आंखें को मतलब कि समझ नहीं रहे आप बड़ा विंडो से कि प्रॉपर आंखें खोल के चलाओगे तो मतलब ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको किसी की नेविगेशन की नेविगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सेफ्टी रीजन तो ये हम पहुँच गए हैं एंड ऑफ मोटरवे। हाँ ये बात है, अगर एक भी टर्न हमने गलत ले लिया तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है ना पड़ेगा। हाँ स्प्रिंगफील्ड लेक्स रीच्ड। गाइस ग्रीनरी तो वैसे बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो फिर भी आपको दिखाने के लिए भैया मेरे को बार बार फोर्स कर रहे हैं, कहते हैं कि ग्रीनरी जरूर दिखाओ। तो गाइस ये एक जो और चीज़ है राउंड अबाउट, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए वेट करनी होती है फिर उसके बाद कार स्टार्ट करनी होती है, बिकॉज अगर तो आपके लेफ्ट से कोई एंटर कर रहा है तो आपको उसके लिए वेट करनी पड़ेगी, है ना भैया ऐसे ही है ना रूल? नहीं, जब राइट से एंटर जब राइट से आपके कोई भी आ रहा है तो आपको उसे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको स्टॉप होना पड़ेगा। साइक्लिस्ट के लिए सेम रूल? हाँ सेम साइक्लिस्ट के लिए, गाड़ी के लिए रोड अपने साइक्लिस्ट। हाँ तो अगर जैसे ये साइक्लिस्ट था तो हमें थोड़ा सा इससे साइड से होके निकलना पड़ा, स्पेस देनी पड़ी उसे, कोशिश करो कि इससे स्टे अवे ही हो। हाँ क्योंकि कुछ भी हो गया आपको ये बात आप पे ही आएगी क्योंकि आपके पास हैवी व्हीकल है इस वजह से ना। हाँ सो बच्चों के झूठे इन पंजाबी। सो गाइस लाइट आ गई, आप देखो क्लाउड्स के कलर कितने अच्छे चेंज हो रहे हैं। तो ये बात है जो यहाँ की सबसे ना अट्रैक्ट करती है बंदे को कि 5 मिनट पहले ऐसे चेंज होता है एट वो जो वेदर है वो लाइक दिस। ओ वाओ नाइस इफेक्ट। चलो द लाइट रीच, हम पहुंच चुके हैं भैया, बस आ गया ना उनका भैया देर। हाँ तो देखते हैं क्या कहते हैं बंदे, उनका क्या प्लान है फिर उसके बाद। घर तो मस्त है। हाँ ठीक है सब कुछ ओके है। जीप कब फाइनली डन विद द शूट, बहुत ही ज्यादा सुंदर वीडियो बनी है। आप बताओ भैया सेटिस्फाइड हो? मैं पूरा सेटिस्फाइड हूं, सॉरी मैं ड्राइव कर रहा हूं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। या तो गाइस इतनी ज्यादा ऑसम वीडियो आई है कि मतलब मैं तो मेरी आप वॉइस से ही पहचान सकते हो कि क्या क्या मतलब जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या हो सकता है। और थोड़ी सी क्लिप्स मैं इसमें डालूंगा फिर उसके बाद हम एक अच्छी सी शॉर्टेड सी वीडियो बनाएंगे और फिर मैं उसका लिंक शेयर करूंगा, वो भैया के पेज से डालेंगे क्योंकि थोड़ा हमारा वो प्रोफेशनल है तो हम वहाँ से ये वाली चीज़ें सारी वहाँ से ही पोस्ट करते हैं। तो आप ज़रूर देखना उस वीडियो को भी ज़रूर, और जो मेरी है वो तो आप देख ही रहे हो क्योंकि आप
पता है ना, फैम बेस फैम बेस। तो देखते हैं गाइस आगे क्या सीन है। वैसे अब तक तो भैया हमें शाम को भी शूट है आज एक। तो ये वाली वीडियो मैं यही खत्म करूंगा क्योंकि गाइस ऐसा है कि इतने लंबा डाल के फिर आपको पोस्ट करने में एडिट करने में बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको यही दिखाया है कि स्प्रिंगफील्ड और स्प्रिंगफील्ड के जो लेक है उसके शॉट्स लिए, वो मैंने आपको दिखा दिया सिनेमैटिक जो थे थोड़े। तो मतलब कि ऑसम चीज हो गई, खत्म काम हो गया कि जो हमारा पहला मैटरनिटी शूट था यहाँ पे, और जो एक्सपीरियंस रहा वो तो माइंड ब्लोइंग रहा, और जो प्रोडक्ट निकल के आया कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, जो हमारे क्लाइंट थे वो एकदम सेटिस्फाइड है। एंड एक घंटे का शूट था, मैक्सिमम हमने 2.5 आवर लगा दिए, एंड उनको वो इतना एंजॉय कर रहे थे कि उनको मन ही नहीं था है ना भैया एंड में जाने का, और इवन हमारा भी मन नहीं था। और हमारी लाइट इतनी प्यारी हो गई है ना, क्लाउडी और सनी लाइट, तो इतना ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है वेदर में, या मज़ा आ गया। और लोकेशन थी वो तो थी ही औसम, जैसे कि आपने देखा है पीछे। तो अब जा रहे हैं हम घर सिटी, यहाँ से फिर से आपको पता है 30 मिनट लगेगा, उसके बाद फिर कुछ खाएंगे एंड थोड़ा सोएंगे, थोड़ी रेस्ट करके फिर अगेन बैटरी चार्ज करेंगे फिर निकलेंगे। या तो गाइज होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर गाइज अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना मत लीव कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद गाइज आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसका बेनिफिट ये है अगर हम फिर से कहीं नई वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और मेक श्योर गाइज आप इस वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें गाइज, और कमेंट करके जाना ज़रूर। और गाइज अगली मेरी जो 2-3 वीडियोज़ आएंगी उसमें गाइज मैं ट्रेड कोर्सेज के बारे में बताऊँगा। इफ़ भैया आपको और हमारे पेज पे जरूर विजिट करना। हाँ हाँ भैया का पेज है आरडी फोटोग्राफी, इसका ब्लैक और येलो लोगो है, आप एक बार विजिट करना और हमारा प्रोडक्ट देखना, वहाँ पे क्या होता है सारा हमारा शूट वहाँ पे पोस्टेड होता है, तो आप एक बार जरूर शो करना गाइस, थोड़ा सा लव पता चलना चाहिए कि एक्सप्लोरर से बंदे जा रहे हैं आरडी फोटोग्राफी की तरफ, जरूर जाना। और गाइस जो आगे वाले थोड़े ब्लॉग्स आएंगे वो ट्रेड कोर्सेज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के वो हैं क्वेश्चंस हैं कि ट्रेड कोर्सेज ये वो, एक मैंने डाल भी दिया कुकरी का, और जो आगे थोड़े से और मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी मैं वैसे वैसे करता जाऊँगा। और गाइज कमेंट आ रहे लोगों के कि तू रिप्लाई नहीं कर रहा, अब गाइज ऐसा आप देख ही रहे हो 4 बजे उठ के फिर टाइम नहीं मिल रहा, थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया शेड्यूल, तो देखते हैं आगे क्या आउटकम्स आते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मैं फ्री हूँ, मंडे को मैं ज़रूर सबके रिप्लाई कर दूंगा जितने भी हैं, 50 से ऊपर कमेंट्स हो गए हैं, तो आई एम श्योर कि मैं मंडे को रिप्लाई कर दूंगा उनके, क्योंकि गाइस अगर ज़्यादा बढ़ गए तो मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसका क्या रिप्लाई करना है, तो फिर भी मैं मंडे तक प्रोबेबली कर दूंगा। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग एक्सप्लोरर्स।